जो आठवीं कक्षा के अंग्रेजी विषय में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत वेलकम। आज हम करेंगे चिल्ड्रन एट वर्क, बच्चे काम पर, उस पार्ट के क्वेश्चन पूरे करेंगे। पहला प्रश्न है व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट टॉग, यानी कि कबाड़ा चूमने वाली लड़की का नाम क्या था? जाया। क्या नाम था? जाया। वेयर डिड जाया टेक गिलू टू कार्टून, यानी जाया गिलू को बोलने के लिए कहाँ ले गई थी? बोले बिहाइंड अ बिग हॉल, यानी कि बड़े हॉल के पीछे ले गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुड येलो रीड तमिल, क्या येलो तमिल पढ़ सकता था? या यस, येलो तमिल पढ़ सकता था, अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, इंग्लिश नहीं पढ़ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट जॉब येलो डिसाइड टू डू आर बीइंग टाइम, आर बीइंग टाइम यानी येलो ने उस समय के लिए कौन से काम का चुनने का निर्णय लिया? येलो कलेक्ट रबिश, रबिश का अर्थ होता है कबाड़ा, रबिश का अर्थ क्या है? कबाड़ा। येलो ने कबाड़ा इकट्ठा करने का, कबाड़ा चुनने का फैसला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज देयर बिहाइंड द बिग हॉल, यानी बड़े हॉल के पीछे क्या था? ए बिग गैबरेज, ए बिग गैबरेज बिन, गैबरेज मतलब कूड़ा कबाड़े का ढेर, यानी कि उसके पास पीछे क्या था? बड़े हॉल के पीछे था एक कबाड़े का बहुत बड़ा ढेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड जाया सेल द रबिश इन जैम बाजार, जाया ने उस कबाड़े को जैम बाजार में किसको बेचने का, किसको बेचा? आंसर है इसका जग्गू। क्या है? जग्गू। जग्गू को जाया ने उस कबाड़े को बेचा था। तो प्यारे बच्चों, 29 तारीख को आप सभी विद्यार्थियों का अंग्रेजी विषय का एक पेपर है, आप सभी विद्यार्थी इस परीक्षा में अवश्य भाग लें। कल है 29 तारीख को, आप सभी विद्यार्थी इस परीक्षा में अवश्य भाग लेंगे। और एक हर शनिवार को एक क्विज कंटेस्ट होता है, सभी विद्यार्थी उस क्विज कंटेस्ट में अवश्य भाग लें, क्योंकि ये सरकार के द्वारा तय है, शायद हो सकता है कि सरकार जो आप जो ये क्विज कंटेस्ट होते हैं या जो पेपर देंगे उनके आधार पर भी आपका आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों का परिणाम तय करे। धन्यवाद।